नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊंगा जिसके थ्रू आपको बैंक से बहुत ही आराम से लोन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हर कोई बंदा किसी ना किसी काम के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है। किसी को होम लोन चाहिए, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को कार लोन, किसी को बाइक लोन, किसी को पर्सनल लोन, किसी को बिजनेस लोन, ठीक है दोस्तों, किसी को होम लोन, किसी को अपनी बेटी की शादी करानी है उसके लिए लोन लेना है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के लिए लोन लेना चाहता है बैंक से। अब देखिए दोस्तों, आप जो है किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो। देखिए दोस्तों, बैंक जो है ना, बैंक खुद कह रहा है कि भाई मुझसे लोन लो, मैं आपको लोन दूंगा। बैंक आपको अनलिमिटेड लोन देना चाहता है क्योंकि वो ब्याज कमाना चाहता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे जो मेन चीज़ आती है लोन के लिए, देखिए दोस्तों, आपको जो है ना ITR, आपकी जो ITR होती है, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है, उसके बिहाफ पे बैंक आपको बहुत ही आराम से लोन प्रोवाइड करा देगा। अगर आप किसी भी बैंक से बहुत ही ईजली लोन लेना चाहते हो तो उसको जा कर के अपनी ITR के पेपर दिखा दो, उसी के बिहाफ पे वो आपको लोन दे देगा। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए लोन ले लो, चाहे पर्सनल लोन लो, चाहे कोई भी लोन लो, कितना मर्जी लोन लो, आपको आपकी ITR के थ्रू वो आपको लोन दे देगा। क्योंकि आप किसी भी बैंक से जब लोन लोगे तो उसमें क्या होता है, एक तो वो आपकी मतलब जॉब के बारे में पूछेंगे कि आप क्या जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो वो बैंक क्या बोलेगा कि आप अपनी ना सैलरी स्लिप दिखाओ, मतलब कुछ ना कुछ तो सबूत मांगेगा ना बैंक, जिसके थ्रू वो आपको क्या नाम है लोन दे सके, जिस पे वो आप पे विश्वास कर सके कि हाँ मतलब ये बंदा पैसा कमाता है तो मेरा लोन ये चुकता कर देगा। अब जैसे जो जो बंदे जॉब करते हैं उनकी सैलरी स्लिप मांगता है बैंक, और उनकी बैंक की स्टेटमेंट मांगता है 3 महीने की, 6 महीने की। अब जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनकी बैंक ITR मांगता है, ITR फाइल अगर वो करते हैं तो उनके पेपर्स मांगता है बैंक। बैंक कहता है अगर आप ITR फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वही लोग करते हैं ना, मतलब जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, वो लोग इनकम टैक्स फाइल तो रिटर्न करेंगे ही करेंगे। तो उससे ये पता चल जाता है बैंक वालों को कि भाई ये अच्छा खासा पैसा कमाता है तो ये मेरा लोन भर देगा। तो इसीलिए बैंक जो है आपको लोन दे देता है, मतलब जितना ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हो उसी हिसाब से आप टैक्स भी भरोगे, उसी हिसाब से आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करोगे, तो उसी के हिसाब से बैंक भी आपके लिए जो है लोन प्रोवाइड कराएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आप बहुत ही ईजली लोन लेना चाहते हो किसी भी बैंक से, तो आप जो है इनकम टैक्स अगर फाइल करते हो तो उसके पेपर बैंक को दिखा दो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों। इनकम टैक्स फाइल हर साल भरी जाती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, तो आप जो है इसके पेपर दिखा दो, बस इसी के बिहाव पे बैंक आपको लोन दे देगा। बाकी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपका एड्रेस हो गया, ID हो गई, फ़ोटो वोटो हो गई आपकी, बैंक की स्टेटमेंट हो गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें मांगता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ITR के पेपर होते हैं जो आपको बैंक में दिखाने होते हैं, जमा करने होते हैं, जिसके बिहाव पे बैंक कैलकुलेट करता है कि भाई अगर ये साल का 12 लाख रुपए कमाता है तो कितनी ITR भर सकता है। मतलब बैंक ना सारी चीज़ें निकालता है, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो उसमें से खर्चा कितना कर रहे हो, बच कितना रहा है आपको, मतलब आपको बचत कितनी हो रही है, क्योंकि बचत सब कुछ निकाल के जो बचेगा उसी से तो लोन भरोगे। तो ये सारी चीज़ें बैंक कैलकुलेट कर लेता है पहले ही। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हो तो आप जो है ITR के पेपर बनवा लो। ITR फाइल करने के जो का जो पैसा होता है वो लगभग 500, 700, 1000 रुपये लेता है। जो CA होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, वही आपकी ITR फाइल के पेपर बनाएगा। शुरू शुरू में वो आपसे 1000 या 500 रुपये लेगा, मेरे ख्याल से 500 से 700 रुपये लेगा। जब मैंने अपनी ITR फाइल करवाई थी तो मैंने 2 साल की करवाई थी, लेकिन मुझे बैंक से लोन नहीं लेना था, मुझे क्रेडिट कार्ड लेना था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ITR फाइल अगर आप एक बार करवा लेते हो तो आपको हर साल ITR फाइल करवानी पड़ेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप टैक्स के अंदर नहीं आ रहे तो बस अपनी ITR जो है फाइल करवा दो, उसके आपके 500 से 700 रुपए लगते हैं साल में एक बार, वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टैक्स के घेरे में तो आप आए नहीं ना, तो टैक्स तो आपको भरना ही नहीं पड़ेगा। आपकी जो इनकम है वो सरकार की नज़रों में रहेगी कि आप सालाना इतना पैसा कमा रहे हो।
अब ITR अगर आप उसके पेपर बनवाते हो तो उससे आप लोन तो ले ही सकते हो, साथ ही साथ आप जो है क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, और क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है, ठीक है दोस्तों, जो कार्ड के माध्यम से आपको बैंक लोन दे रहा है क्रेडिट कार्ड में, तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको जो है उसकी लिमिट आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे ऐसे लिमिट मिलती है, तो वो सब कुछ आपके ITR के जो पेपर होंगे उसको देख के ही वो कैलकुलेट करेगी बैंक। मतलब मेन जो है आपकी ITR है, आप ITR के पेपर बनवा लो तो उसी के बिहाफ पे बैंक आपको लोन दे देगा, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।